गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हो? अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम नई रेसिपी लेकर आए हैं। गेहूं का आटा का नहीं है और ना ही और भी कुछ अलग टाइप का हम बनाए हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, एक गिलास पानी लिए, उसमें नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जमाइन मंगरेला, हरा मिर्च कटिंग करके डालना है, और यहाँ पर प्याज बारीक काट लिए हैं उसको भी डाल दिए हैं। थोड़ा देर इसको पका लेंगे इस सबको। तो यहाँ पर देखिए खोलना स्टार्ट हो गया है, ज़्यादा नहीं, 2 से 4 मिनट तक पकाना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से पूरा हम पका लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं पक रहा है। अब इसे बीच बीच में चलाते रहना है। तो इसमें क्या डालना है चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए बारीक कट पिसा हुआ सूजी लिए हैं, मोटा वाला सूजी नहीं लेना है, बारीक वाला लेना है। तो यहाँ पर देखिए सूजी ले लिए हैं, और इसको चलाते हुए इसको हम अच्छा सा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से चलाते हुए इसको तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरा पानी सूख गया है। अब इसे उतारने के बाद जब ठंडा हो जाए, हाथ सहने लगे, तो इसमें हल्का हल्का पानी ले कर इसको अच्छा से गूँथ लेना है, चिकना गूँथना है और अच्छा से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम कर रहे हैं, आपको भी इसी तरीके से करना है। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मेरे चैनल पर नए नए रेसिपी देखने को मिलते रहेगा, नए नए नाश्ता बनाने का तरीका मिलेगा, नए नए ट्रिक मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आटा की तरह गूँथना है, और गीला नहीं करना है, टाइट ही रखना है। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से पूरा अच्छा से इसको गूँथ लेना है, और ये बहुत जल्दी बनता भी है, और यहाँ पर बहुत ही ये टेस्टी भी लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से बना के आप अपने बच्चों को टिफ़िन दे सकते हैं, या कोई मेहमान आए तो उनको भी गर्मा गर्म बना के खिला सकते हैं। तो समोसा ये सब बाहर से लाला के खिलाते हैं ना, नाश्ता देते हैं, मिक्सचर बिस्कुट समोसा ये सब देते हैं ना मेहमान को, तो आप उससे अच्छा से आप इसी को तैयार करके खिलाइए, तो सारे समोसे फेल हो जाएंगे, इतना टेस्टी लगता है ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हम छोटा छोटा पीस कर लिए हैं, और इसे इस तरीके से गोल गोल कर ले रहे हैं। इसके सामने समोसा निमकी सब फेल है। आप एक बार ज़रूर बना के सबको खिलाइए, घर में सभी लोग आपका तारीफ़ करेंगे, और बार बार बोलेंगे कि हल्का फुल्का जब भी भूख लगेगा तो बार बार बोलेंगे कि यही नाश्ता बनाओ फटाफट, और चाय के साथ खाएंगे। तो इस तरीके से आप भी बना के खिलाइए, बहुत अच्छा लगता है, और इसमें ज़्यादा ना कोई तेल मसाला लगता है, ना ही ज़्यादा सब्ज़ी लगता है, घर में तो सारे चीज़ रहते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम गोल गोल पीस कर लिए। अभी तो हम सुबह का टाइम है और हम टिफ़िन बना रहे हैं, हम इसे टिफ़िन में देंगे। आप चाहे तो हल्का फुल्का जब भूख लगे शाम का टाइम हो तब बना के खा सकते हैं। तो बीच में इसको इस तरीके से हम गड्ढा कर दिए हैं, दही बर्रा बनता है ना उसी का शेप हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए गोल गोल कर लिए। इस तरीके से सारे को हम इस हल्का सा उंगली में पानी डाल दीजिएगा, और उसके बाद करिएगा ना तो बहुत अच्छा से चिकना हो जाता है। पानी या रिफाइंड कुछ भी डाल सकते हैं, नहीं तो फिर चिपकेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से सारे को हम करके हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से सारे पीस हम कर लेते हैं। आप भी इसको बनाइए और सॉस या चाय के साथ खाइए, खिलाइए सबको। तो यहाँ पर देखिए सारे हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए हम कढ़ाई रख दिया पहले से ही, और ये गर्म हो गया। अभी एकदम पूरा डीप गर्म, हाई गर्म रहेगा ना तब आप इसको डालिएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से डालते हुए इसको हम क्रिस्पी होने तक इसको पकाएँगे, अच्छा सा कलर आने तक पकाएँगे, और फिर इसे हम निकाल के आपको दिखाते हैं। तो ये सब जब तक होता है तब तक आप जल्दी से प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और आप लोग कहाँ से वीडियो देखते हो ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, वीडियो तो देखते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते, प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम पका रहे हैं, और इसी तरीके से आप लोग को भी पकाइए और सबको खिलाइए, सभी लोग को, घर में सभी को अच्छा लगेगा। मेहमान आएंगे तो उनको भी खिलाइए, किटी पार्टी करते हैं तो उसमें भी इसे बना के आप रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और शाम के टाइम में अगर भूख लगे, जब समोसा खाने का मन करे ना, तब इसको आप बना के खिलाइए, खाइए, तो किसी को समोसा खाने का भी मन नहीं करेगा, बाहर से ला के नाश्ता कराने से अच्छा है घर में बनाइए, खिलाइए सबको। तो घर में तो सारे सामान रहते ही हैं, तो आप लोग फालतू बाहर में जाकर समय बर्बाद करते हैं और पैसा भी खर्च करते हैं, तो ये सब करने से अच्छा है
आप लोग घर में बनाइए, खिलाइए, सब कुछ अच्छा लगता है, बस बनाने का अलग अलग तरीका होना चाहिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ना, तो अलग अलग तरीके से आप लोग को नाश्ता खाना बनाने का तरीका मिलते रहेगा। तो फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए रेसिपी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग को आइडिया आते रहेगा दिमाग में, सोचने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा कि आज क्या बनाए कल क्या बनाए, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा सोचने का। बस मेरे चैनल पर जाइए और नए नए वीडियो देखिए और नए नए तरीके से आप लोग नाश्ता बनाइए और सबको खिलाइए, घर में परिवार में बच्चों को टिफ़िन दीजिए, बाहर जा रहे तो आप इसे बना के ले जाइए, 2 से 4 दिन तक चलेगा, ख़राब कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए पूरा हम बना के तैयार करके यहाँ पर सजा के आप लोग को दिखा रहे सॉस के साथ, आप लोग बनाइए खिलाइए, हम तो टिफ़िन में देने जा रहे हैं, आप लोग भी बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।